हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, अगर आप स्लो बॉल में छक्का मार पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंडों का बार बार एक कमेंट आता है कि हम स्लो बॉल में छक्का मार लेते हैं, जैसे स्पीड बॉल आती है हम छक्का नहीं मार पाते हैं, ये आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी स्लो बॉल में छक्का मार सकता है, मिनिमम 60 मीटर भी अगर आप स्लो बॉल में छक्का मार पाते हैं, तो स्पीड वाली बॉल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप स्लो बॉल में छक्का मार पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो बैट का स्विंग है अच्छा है, आप बॉल को टाइम अच्छा करते हैं, जो बैट का फ्लो है आपका अच्छा है, आप 60 मीटर भी छक्का मार रहे हैं, तो आप फास्ट बॉल में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन मैं आपको टिक्स बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे आप 100% 130, 140, इवन 150 में भी छक्का मार पाएंगे। इंटरनेशनल में 150, 160 की स्पीड में भी आराम से शॉट मारते हैं। कैसे मारते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि देखो बड़े लेवल में प्रैक्टिस हाई लेवल की होती है और बहुत लंबे समय तक होती है, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके 140-150 की स्पीड से खेल पाते हैं। मैं कई बार यहाँ पे खेल के दिखाता हूँ, काफ़ी स्लो बॉल होती है, ज़्यादा ज़्यादा 100 की स्पीड में होती है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार 100 की स्पीड में कौन छक्का नहीं मार देगा। देखो, अगर 100 की स्पीड में आप क्लियर करें ना, क्योंकि स्लो बॉल में छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है। स्लो बॉल में क्या होता है कि आपने इंटरनेशनल में भी देखा होगा, जब स्लोअर बॉल मारते हैं तो उसमें हर किसी के कहने नहीं पहुंच पाती बाउंड्री से बाहर। स्पिन बॉल में काफ़ी टफ होता है, फास्ट बॉल में हल्का सा ऐसे एल्बो अप करते ना, ऐसे एल्बो अप करते छक्का जाते। कभी स्पिन बॉल में देखा है कि ऐसे एल्बो अप करके छक्का मारते? कभी नहीं जाएगा। स्पिन बॉल में उन्होंने पूरा पीछे से पावर लगाना पड़ेगा तब जाएगा, लेकिन फास्ट बॉल में क्या होता है, हल्का सा टाइम करते इतने में भी छक्का जाता है उनका। तो ये डिफरेंस होता है स्लो बॉल और फास्ट बॉल में। अब देखो, स्लो बॉल में 70-80 की स्पीड में, मेरा एक वीडियो देखिए, 70-80 की स्पीड में मैं छक्का मार रहा हूँ। एक तो मेरे पास बॉलर है नहीं इसलिए, दूसरा मैं बैट का स्ट्रोक चेक कर रहा था, क्योंकि स्ट्रोक चेक करने के लिए आपको बहुत फास्ट बॉल की ज़रूरत नहीं होती। स्लो बॉल में अगर आपका शॉट अच्छा जा रहा है तो इसका मतलब बैट का स्ट्रोक अच्छा है। अब जो कमेंट आपका आ रहा था कि स्पीड बॉल में, अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपका जो बैट का फ्लो अच्छा है, सब कुछ अच्छा, स्पीड बॉल में आपका जो टाइमिंग है वो ख़राब हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि उस स्पीड में आपने बॉल खेली नहीं। आप क्या, मैं क्या, कोई भी प्लेयर हो, अगर आपने 120-130 की स्पीड में कभी बॉल खेली नहीं है और सडनली आप गांव में, आपके स्पीड फास्ट बॉलर है नहीं, आपने उस बॉल को खेला ही नहीं है कभी, और दूसरे गांव में जा रहे हैं, किसी बड़े लेवल के टूर्नामेंट में जा रहे हैं, वहाँ आपके पास 120-130-140 स्पीड वाला बॉलर आ रहा है, तो आपने बीट होना ही होना है, क्योंकि आपने खेला ही नहीं है कभी वो बॉल। आप क्या करना है, आपके गांव में बॉलर होगा नहीं 130-140 वाला, करेंगे क्या? देखो, हमेशा स्टार्ट स्लो से ही करना है। स्लो बॉल आपका ऑलरेडी 70-80-100 की स्पीड में आप मार रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पेस को बढ़ाना है, धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, है नहीं आपके पास बॉलर 110 डालने वाला, 20 डालने वाला भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका, एक तो जो बैडमिंटन होता है ना, एक तो जो टेनिस होता है ना, टेनिस थोड़ा महंगा मिलता है, 3,000-4,000 तक का एक टेनिस का बैट बल्ला मिलता है, टेनिस जो जिसे टेनिस लॉन टेनिस खेलते हैं, बट वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है। उसके अलावा उसमें क्या होता है, देखो सॉफ्ट टेनिस आती है ना, सॉफ्ट टेनिस से अगर उससे मारेंगे इतना तेज़ बॉल जाता है, बहुत तेज़ जाता है बॉल, अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते 3,000-3,500 का आता, तो उसके दूसरा ऑप्शन है स्पीड आर्म थ्रोअर बहुत महंगा नहीं, 350-300 में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन वो सीजन बॉल वालों के लिए तो ठीक है, जो सीजन बॉल से खेलते हैं लेदर बॉल से, बट जो टेनिस से खेलते हैं, टेनिस बॉल थोड़ी छोटी होती है, तो उसमें एकदम ढीला हो जाता है, ढीला होता है तो उसमें क्या है, अंदर से कुछ फंसाना है ऐसा कि जिससे टेनिस बॉल थोड़ा ग्रिप थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अगर आप ढीला होगा तो ऐसे मारते ऊपर ही चली जाएगी बॉल, मतलब आगे जाएगी नहीं। और स्पीड आर्म थ्रो मारना आना चाहिए, वो सबके बस की नहीं है, बड़े बड़े अच्छे खासे कोच जो है स्पीड आर्म थ्रोअर मारते हैं, मैंने भी ट्राई किया था, कभी बिल्कुल यहीं पे शॉट गिर रहा है, कभी ऊपर चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ दिन प्रैक्टिस होती है उसकी भी, लेकिन उससे 140-145 की स्पीड आराम से आप फेंक सकते हैं स्पीड आर्म थ्रोअर, तो वो होता। अब उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपने जम के, क्योंकि आपका देखो फ्लो अच्छा है, सब कुछ है, सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका जो बॉल का और आपकी बॉडी का रिएक्शन है वो सही नहीं हो पा रहा, मतलब बॉल इतनी स्पीड से आती है कि आपका बैट जो उठ के उस बॉल तक पहुंचने तक बॉल निकल जाती है, मतलब आपका जो रिएक्शन टाइम है ना
वो काफ़ी ढीला है, उसको क्विक करना पड़ेगा आपने, कम है तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम बढ़ाना है या आपने क्विक होना है, उतना तेज़ होना है। उसके लिए कुछ ड्रिल तो अंडर आर्म ड्रिल होती है, देखिए आपके सामने खड़े हैं वो, आपने बिल्कुल हाफ पिच से, ये फुल पिच होता है, फुल पिच से बॉलिंग करेंगे नहीं होगा, लेकिन ये जैसे हाफ पिच तक मेरा मैट बिछी है, हाफ पिच से आप जितना तेज थ्रो होता है, तेज थ्रो दे के बैट्समैन को बॉलिंग दे, वो बिल्कुल रेडी रहेगा। वहाँ पर से पहले सिर्फ ड्राइव, पहले छक्का नहीं मारना है, पहले ड्राइव मारना है, सिर्फ ड्राइव मारना है या डिफेंस करना है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना है अपने आप को उस स्पीड के साथ। एडजस्ट जब आप हो जाएंगे, डिफेंस करने लग जाएंगे, फिर थोड़ा करके आप उसको उठाना शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे 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 जैसे आप स्पीड बढ़ती जाएगी, उसके बाद आप काफ़ी तेज़ बॉल भी आसानी से खेल पाओगे। यही एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि उस स्पीड से आपने बचपन से खेला नहीं। जैसे इंटरनेशनल जो प्लेयर होते हैं कहाँ से जाते हैं, अंडर 14 खेलते हैं, अंडर 16 खेलते हैं, 19 खेलते हैं, फिर जाके सीनियर में पहुँचते हैं, उतना खेलते खेलते उनको 8-10 साल हो जाता तब जाके 140-150 की स्पीड की बॉल खेल पाते हो, इतना ईजी नहीं है। उसके बाद भी अगर आप बड़े भी हैं तो बड़े अगर एक साल भी, अगर आप 6 महीना साल भर भी आप प्रैक्टिस करते हैं स्पीड बॉल के लिए, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो महीने 2 महीने में भी आपको काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। ज़्यादा कर सकते हैं तो यानी एक दिन में 200-300 बॉल खेल सकते हैं, तो 1-1.5 महीने में भी आप पकड़ सकते हैं। स्लो बॉल में मारते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं मार पाता उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आपने, तब जाके आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज इतना ईजी नहीं, 130-140 की स्पीड खेलना बहुत, मतलब दिखती नहीं है बॉल, समझ लो ऐसा हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपने नहीं खेला है तो आपको बोलते हैं ना कि बॉल दिख ही नहीं रही है, क्योंकि वही हाल होता है यहाँ पे। बट आप जिस तरीके से मैंने बताया 2-3 तरीका, हाफ पिच से बॉल और स्पीड आर्म थ्रोअर से, दो चीज़ से अगर आप प्रैक्टिस करते तो आप इजीली खेल पाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।